अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है? सेट तो सेट ही रहना, ठीक है जी। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है मटन बिरयानी। बहुत ही इजी और झटपट तैयार हो जाने वाली सिंपल सी रेसिपी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले प्रेशर कुकर में 1 kg मटन ले रही हूँ मैं। 3 प्याज जा रहे हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर जा रहे हैं 2 टमाटर। फिर इसके अंदर मैंने खुश्क धनिया शामिल किया है। अब थोड़ा सा नमक शामिल किया है और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी सी। 1 गिलास पानी डालकर हम इसे रख देंगे चूल्हे पर। जब इसमें ओले हरी मिर्चें एज़ यूजल मैं भूलूँ ना तो फिर मुझे यानी कौन कहे। अच्छा जी, अब हम इसे रख देंगे चूल्हे पर और जब इसके अंदर इस तरह से उबाल आने लग जाएगा तो फिर हम इसे प्रेशर कुकर कर लगा देंगे 15 मिनट के लिए। जी तो 15 मिनट के बाद प्रेशर कुकर हमने खोल दिया है और अब जो एक्सेस वाटर है हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा पानी खुश्क ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें 1 कप ऑयल डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। जब मैं इसको रगड़ा दे रही थी तो फिर मुझको चेते आया कि अदरक लहसुन मैं भूल ना जाऊँ, फिर मैंने दबा दब उसको भी सूट दिया बीच में। 2 चम्मच इमली को मैंने पानी में डुबो के रखा हुआ था वो डाल देंगे इसके अंदर। फिर उसके अंदर हम जहाँ पे डाल रहे हैं आलू बुखारा मुझको बहुत पसंद है। फिर थोड़ा सा बिरयानी मसाला जाएगा इसके अंदर 2 चम्मच, ठीक है। अब इसको अच्छे से फिर पुनपुनैया कर लो। अच्छे से भूनकर इसको ढक्कन बंद करके रख देंगे हम और 5-10 मिनट बाद जब हम ढक्कन खोलेंगे तो कुछ इस तरह से मिक्सचर तैयार होगा हमारा। तो अब इसका अधूरापन दूर करने के लिए हम इसको पतीले में कुछ इस तरह से सजाएंगे। उसके ऊपर डालेंगे हम उबले हुए चावल, ठीक है, उसकी तह लगा देंगे हम। फिर उसके बाद दोबारा हम थोड़ा सा इस तरह से ये सजा देंगे। फिर इसके ऊपर हम दोबारा इसको ऐसे चोल डाल देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तह जितनी मर्ज़ी ऊपर नीचे लगाई, जो जितना आपके पास माल गोदाम है सारा सजा दो हेठ ऊपर हैं। तह शह लगाने के बाद इसके ऊपर एंड पर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा जर्दा रंग, ठीक है। उसके बाद चावलों को दम पर रखा जाएगा 15 मिनट के लिए। एंड आफ्टर 15 मिनट्स हियर वी गो, बिरयानी हो गई है रेडी बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और अगर पसंद नहीं आई तो हर किसी की पसंद अच्छी भी नहीं होती, फिर सही बात है ना। हंसा मजाक रहा एक साइड पे, भाई आपसे एक ज़रूरी बात, खुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। बड़ा ही सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, ट्राई करके देखिएगा, देखना ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी। तो इन्हीं बातों के साथ जी वीडियो हमारी होती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो निम लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत हो गई गपशप, तो इसी के साथ वीडियो हमारी हो गई है कम्प्लीट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।